हनीफा बाद में जमा होने वाले सुन्नियों को देख भी रहा है, सुन भी रहा है। हमें कोई शोभा नहीं। कोई शोभा नहीं। खिलौने आपकी जेबों में, मोबाइल फोन है या नहीं, कार है नहीं, प्लग है कान से लगा के बोले जा रहे, दुनिया भर में बातें कर रहे हैं, साइंस बता रही है छोटा सा आला रख दो, वो जिसको सुपर पावर कहते हो उन्होंने जगह जगह मुख्तलिफ आले लगा दिए, आपकी आवाजें सुन रहे हैं, आज साइंस ने बता दिया। अरे जो रूहानियात को जानते हैं साइंस वालों से पूछो, वो साइंस वाले कहते हैं हम रूहानियात का मुकाबला नहीं कर सकते, इन्होंने तो आज टक्करे मार के आले बनाए हैं, मौसम बदल जाए सिग्नल इनका काम ना करे नहीं सुनते, मगर मेरे आका कल भी सुनते थे आज भी सुनते हैं। ये ऊपर करके ले, किताब का नाम फजाइले दुरूद शरीफ, नाम बता रहा हूं, अगर किसी के पास हो ले आओ, अभी हवाला निकाल के दिखाऊंगा। लिखने वाले जनाब मोहम्मद जकरिया साहब, बिस्तर लोटा पार्टी के बड़े, उनकी किताब बाजार में मिलती है, उसमें हदीस मौजूद, हवाला गलत हो जिस चौक में चाहो खड़े करके मुझे सजा दे देना, और हवाला यकीनन दुरुस्त है, मैं तुम्हें सजा नहीं देता, मैं कहूंगा आओ मेरे साथ मिलके मेरे नबी को पुकारो। सुनो सुनो हदीस सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, खुद जनाब जकरिया साहब ने अपनी किताब में नकल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर किया है। कौन मुकर्रर किया है? फरिश्ता। फरिश्ता, फरिश्ता जैसे मर्जी कह लो, मैं झगड़ता नहीं, फरिश्ता मुकर्रर किया। फरिश्ता क्या उसकी हालत है? अल्लाह ताला ने उसको तमाम मखलूक की आवाज सुनने की ताकत अता की है, तमाम मखलूक की आवाज सुनने की किसने अता की है? कोई भी कहीं भी मुझ पर दुरूदो सलाम भेजे, ये फरिश्ता उसका उसके बाप का नाम लेकर उसके अल्फाज में उसका दुरूद मुझे पहुंचाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद सिद्दीकी। वाले साहब का नाम क्या है? ये बैठे हैं, मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं आप इनको पहचानते हैं, वरना किसी का भी नाम ले लें। इनसे पूछें जावेद साहब से, जावेद साहब आप दुरूशी पढ़ने से पहले कहते हैं ओ फरिश्ते मेरा नाम मोहम्मद जावेद सिद्दीकी, मेरे वालिद का नाम दोस्त मोहम्मद सिद्दीकी, फरिश्ते मैं अपना नाम भी बता रहा हूं, बाप का नाम भी बता रहा हूं, मेरा दुरूद सुन ले और पहुंचा दे, ऐलान करते हैं आप ऊंची? वो फरिश्ता आपका नाम भी जानता है, आपके असली बाप को भी जानता है, उसका नाम भी जानता है, आपकी आवाज भी सुन रहा है, आप कमरे में बैठे हुए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वो सुन रहा ऊंची। और जब नबी पाक की कब्र शरीफ पर मुकर्रर एक गुलाम दरबान की ये शान है, अंदाजा करो आका की कितनी शान होगी। पढ़ो ना आला हजरत का शेर, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, फिक्र ना करना, पूरी तकरीर कर जाऊंगा देवबंदी वाबी का लफ्ज बोलूंगा ही नहीं, सुनो ध्यान से। कहते हैं दूर से सुनना अल्लाह की शान है, दूर से सुनना जी, मेरा नाम कौकब नूरानी उकाड़वी, मेरे वालिद साहब का नाम हजरत मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, माइक में कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हजारों आदमी बैठे सुन रहे हैं।
चैलेंज करता हूं, एक सवाल आप सब याद कर लो, उनसे पूछना, उनसे कहना ये बताओ अल्लाह किससे दूर है, अल्लाह का दूर होना साबित करो। कर सकते? ऊंची कुरान में अल्लाह फरमाता है वनहनु अक्रबु इलैही मिन हब्लिल वरीद, शेरक से ज्यादा करीब। कुरान में अल्लाह फरमाता है वहुवा माकुम अइना मा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ। ये कहते हैं दूर से सुनना। अल्लाह की शान, पहले अल्लाह का दूर होना तो साबित करो, सुनने की बात तो बाद में होगी, पहले दूर होना साबित करो। कर सकते? दस जन्म ले लें, दस मरतबा दोबारा पैदा हो जाए, साबित करेंगे? नहीं। तो इनको सोचना चाहिए, पहले अल्लाह का दूर होना तो साबित करो। दूर के माने क्या है वो तो सोचो। सुने, अल्लाह ताला किसी से दूर नहीं, हम अल्लाह से दूर हुए हैं। बेशक हमने अपने आप को अल्लाह से दूर किया हुआ, अल्लाह दूर नहीं। मैं इस मसले को रोक रहा हूं ताकि आपको, अगर अभी सारे जवाब दे दूंगा तो फिर आप पूछेंगे नहीं, जरा उनको पता तो चले ना, मुझे छेड़ेंगे तो फिर मैंने छोड़ना। सुने, आला हजरत फरमा रहे दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काम, इस दूर से मुराद जाहिरी मुसाफत लोग, कुछ लोग। मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे नजदीक दूर और नजदीक का फलसफा क्या है। मैं दो तीन मिसालें देता हूं। आप हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को जानते हैं? डर क्यों गए? जानते हैं जी। कौन है वो? फरिश्ते, रसूल फरिश्ते हैं, बड़ी शान वाले, प्यार से नाम लिया करो, आपको तकलीफ नहीं देंगे, उनसे मोहब्बत किया करो, बड़ी शान वाले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। रूह कब्ज करने पर ड्यूटी है उनकी या नहीं? औरंगी टाउन की टोटल आबादी नहीं मालूम, अंदाजा 15 लाख, चलो बिलफर्ज 15 लाख, अगर 200-400 कम ज्यादा है मुझे झगड़ा क्या करना, हमें तो मिसाल देनी है। 15 लाख में रोजाना कितनी वो मौतें होती हैं? 100 तो हो जाती होंगी। क्या कह रहे? चलो औरंगी टाउन को छोड़े, पूरे कराची को ले लें, 1.5 करोड़ आबादी बताई जाती है जी। कमोबेश कितनी होगी कराची में? तो 100 मौतें रोज की मान लोगे ना, को अस्पताल में मर रहा है, को एक्सीडेंट में मर रहा है, को कहीं, 100 मौतें रोज तो हो जाती होंगी। एक कोई औरंगी टाउन के सेक्टर हनीफाबाद में, एक हो गई लांडी में, एक हो गई नाजमाबाद में, फरिश्ता तो एक है, जा कैसे रहा है हर वक्त? उसी वक्त हैदराबाद में, उसी वक्त सक्कर में, मुल्तान में, लाहौर में, रावलपिंडी में, पिशावर में, कोयटा में, इंडिया में, जापान में, फ्रांस में, अफगानिस्तान में, ईरान में, पूरी दुनिया में मौतें हो रही है, फरिश्ता एक है, एक ही वक्त में हर जगह कैसे पहुंच रहा? सोचो, सोचो। तुम कहते हो नबी को कोई ताकत नहीं है, फरिश्ता जो मेरे नबी के नूर से बना है उसके लिए दुनिया ऐसी है जैसे दस्तरखान। कैसी है? दस्तरखान। अगर वो हवाई जहाज पे उनको जाना होता और मौसम की वजह से हवाई जहाज लेट हो जाता तो फरिश्ता तो पहुंच नहीं पाता और मौत का टाइम तो मुकर्रर है। वो फरिश्ता जो मेरे नबी के नूर से बना, जिसकी ड्यूटी है लोगों की जान निकालने की, एक ही वक्त में हजारों जगह मौजूद होता है या नहीं होता? ऊंची। और सुने, मैं इस तरह की मिसालें दूं, दुनिया में आपको कितनी चीजें बयक वक्त हो रही हैं आप सोचते जाएं, ये सब नबी से कम दर्जे के। मेरे नबी का दर्जा तो किसी नबी ने नहीं पाया, वो तो नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल, सबसे आला है। मैं अगर इन सब के दर्जे सुनाना शुरू करूं आप हैरान हो जाए, और जिनके नूर से बने हुए फरिश्ते की ये शान। नहीं नहीं, थानवी साहब ने लिखा गौसे आजम एक ही वक्त में 70 जगह गए।
और आज टेलीविजन ने साबित कर दिया, खबरें पढ़ने वाला एक है, एक कमरे में बैठ के खबरें पढ़ रहा है, दुनिया के कितने मुल्कों में करोड़ों डब्बों में उसको एक ही वक्त देख रहे हो। जब मादियात का ये आलम है, रूहानियात का क्या आलम होगा? तुम्हें दूर होने का तो अभी माना ही नहीं मालूम कि दूर होना कहते किसको है। अल्लाह ताला जिसको ताकत दे हम उसका इनकार कर सकते? ये कानों में ताकत किसने दी है? बुखारी में हदीस है कुदसी, अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरा प्यारा बन जाता है उसके कान मैं बन जाता हूँ। कान उसके होते हैं, कुव्वत मेरी होती है। फिर हनीफाबाद में बैठ के कोई या गौस पुकारे, अल्लाह की दी हुई ताकत से गौस बगदाद में सुनते सुनते सुनते। अब एक मसला और करना पड़ेगा। बात चली थी ना मुनाफिक कहते थे नबी कहां सुनता है, वही बात नहीं ये कर रहे हैं, उसी का जवाब दे रहा हूं। मसला ये करना पड़ेगा कि ये लोग कहते हैं जी जिंदा सुन लेते हैं मुर्दा नहीं सुनते, ये तकसीम शुरू कर देते हैं शरारत फौरन। पहले इनका करीब और दूर की, अब कहते हैं जिंदा सुन लेते हैं मुर्दा, जिंदा मदद कर लेते हैं मुर्दा। हालांकि कुरान में हदीस में ये तकसीम नहीं, ये चाल चलते हैं। आओ मैं आपको सुनाऊं, आपके इस मजमे में इज्जतदार सारे लोग बैठे हैं, सुबह एक काम करना, वो जो कहते हैं ना नहीं सुनते उनमें से एक आदमी को कहना जरा 10 मिनट के लिए आओ, कब्र खोदना, उसको लिटाना, सर्टिफिकेट जमानत का लिख के दे देना कि 10 मिनट बाद निकाल लेंगे, मट्टी डाल देना, मोहल्ले वालों को कहना आओ जरा इसको पुकारो यहां बातचीत करो, और मोहल्ले वालों को कहना वापस जाओ, 10 मिनट के बाद उसको निकाल लेना, छोड़ नहीं देना। निकालने के बाद उससे पूछना कौन आया था, बताएगा ऊंची, क्या कहा था सुना उसने नहीं। अब पढ़ो बुखारी शरीफ, जब मुर्दे को दफनाया जाता है और दफनाकर लोग पलटते हैं, वो उनके चप्पल से चलने की आवाज को भी सुनता है। सारी दुनिया जाकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में कहती है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, या भी कह के पुकारते हैं कब्र वालों को, अगर मुर्दे सुनते नहीं है तो सलाम क्यों कर रहे हो? क्योंकि सलाम तो उसको किया जाता है जो सुने और सुनकर जवाब दे सके, जो सुनता नहीं उसको सलाम नहीं किया जा सकता। एक मसला और सुन लो, आप किसी को सलाम करो और वो जवाब ना दे, ऐसे शख्स को आइंदा कभी सलाम ना करना। बात होते हैं ना फन्ने खां हैं, छोटे आदमी ने सलाम किया मैं क्यों जवाब दूं, मेरी शान, ऐसे आदमी को दोबारा सलाम करने की इजाजत, ऐसे को सलाम करना कोई सवाब नहीं। मोमिन मोमिन को सलाम करे। सलाम का मसला ये कि सलाम उसको किया जाएगा जो सुने सुनकर जवाब दे सके। कब्र वाला सुनता भी है जवाब भी देता है। तो जब नबी के कलमा पढ़ने वाले मोमिनों का ये हाल है, नबी की कितनी शान होगी। हम पुकारते हैं नबी पाक सुनते, जो जो मानते हैं वो कहे सुनते देखते। कौन दिखाता है, कौन सुनाता है, ताकत किसने दी है? अल्लाह ने। मुनाफिक कहते थे नबी को क्या खबर, ये भी कहते हैं क्या खबर, इनका रिश्ता उनके साथ, हमारा रिश्ता सहाबा के साथ, जो कहते थे कि नबी पाक हमसे ज्यादा हमको जानते हैं, हमारी जानों के मालिक है, नबी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। वो तो कहते थे नबी सबसे ज्यादा जानते हैं, और आजकल के लोग नबी को बेइल्म साबित करके खुद को अल्लामा कहलाना चाहते हैं। तो जान लो ये मुनाफिकों वाले अकीदे जिनके हों, उनकी अपनी नमाज नहीं होती, जब उनकी अपनी नहीं होगी उनके पीछे किसी और की भी। समझ आ रही है बात? अब जो मैंने खुलासा करना है, आपको मसला बता दिया, अब करना है खुलासा और तकरीर समेटनी है। हमें पता क्या चला, असल नमाज उसकी है जो नबी का सच्चा गुलाम है, नबी से प्यार करने वाला, और जो नबी से प्यार नहीं करता उसकी नमाज नमाज ऊंची। किताब का नाम अल अदबुल मुफरद,
لکھنے والے امام بخاری جن کی بخاری شریف مشہور ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری اس میں حوالہ موجود صحابی کا پاؤں سو گیا پاؤں نم ہو گیا سن ہو گیا آپ جو بھی لفظ کہتے ہیں خون کا دوران رک جاتا ہے نم ہو گیا اس نے کہا میرا پاؤں سو گیا تو صحابیوں نے یہ نہیں کہا ذرا بھائی ہل جل کرو ایکسرسائز کرو ذرا تھوڑا سا ہے ملو ابھی ٹھیک ہو جائے گا خون کا دوران صحابی نے کہا تجھے جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو پکار جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو سب کی آواز اس کو آج کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو فتوے آتے ہیں نا اللہ کو پکارو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو اور خود پتہ نہیں کس کس کو پکارتے رہتے ہیں صبح شام ان کے فتوے عجیب سے ہیں ادھر کی آواز چلی تو ادھر اور ادھر کی آواز چلی تو پہلے فتوا دیتے ہیں جو عورت کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور پھر خود اسی عورت کا بستہ لے کے چل رہے کدھر گئے فتوے سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے مفتی یہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے ان کے فتوے سمجھ میں آ گئے مفت و مفت مفتی ہیں مفت کے مفتی ہیں ایسے ہی فتوے دیں گے نہ سر نہ پیر یہ آرام ہے اور دوسرے دن اسی کو کھا رہے ہیں ابھی فتوا آئے گا شب برات کا حلوہ نہ جائے گا اور خود ہی بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے میلاد بنانا جائز نہیں خود میلاد میں پہنچے ہوئے ہیں کوئی دین ایمان ہے اونچی اور جن کا یہ حال ہے کیا وہ میرے تمہارے امام ہو سکتے ہمارا امام وہ ہے جو ہمارے نبی کا غلام ہے جو نبی کا غلام نہیں وہ ہمارا امام میرے دوستوں اور بزرگوں صحابی نے کہا اس کو پکار جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے صحابی سوچ میں نہیں پڑا کہ میں بیوی کو پکاروں بیٹے کو پکاروں بہو کو پکاروں داماد کو پکاروں نہیں دیر نہیں لگائی سب سے زیادہ پیارا کون اس نے فوراً کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نبی کو پکارا ادھر نبی کو پکارا ادھر پاؤں ٹھیک ہو گیا نبی سنتا ہے یا نہیں یہ یا کا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اتنے حوالے دیتا خود ان کی کتابوں سے دیتا یہ تو کہتے ہیں نبی کو پکارو نہیں اور جس ہستی کو یہ اپنا پیر کہتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب وہ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے کہتے ہیں جی سر لگاتے ہیں تو تم بے سرے ہو تو اپنے نصیب کو رو نا تم کھاتے ہو کوا کائیں کائیں کرتے ہو ہم کھاتے ہیں حلوہ نبی کی ناک بڑھتے ہیں یہ میٹھی آوازیں نبی کے غلاموں کا حصہ ہے تمہارا حصہ یہ ان کو پیر کہتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو صرف کہتے ہیں مانتے وانتے نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے اے رسول کبریا فریاد ہے اگر نبی کو پکارنا غلط ہے تو اپنے پیر پہ فتوا لگاؤ وہاں ان کا فتوا چلتا یہ ہے نا میں نے کہا نا آپ کو ان کے فتوے عجیب سے آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں ناراض تو نہیں ہوں گے چلو آپ کو پسند نہیں آئے گا واپس کر دینا وہ ایک اسی طرح کے ملا تھے ملا فتوے بڑے لگاتے تھے یہ ناجائز یہ ناجائز ان کے پڑوس میں جو رہتے تھے نا انہوں نے مرغیاں پالی ہوئی تھی تو پڑوس کا مرغی کبھی پھلانگ لگا کے ادھر آ گئی ملا جی کی بیوی بڑی تنگ ملا جی کہے بے زبان ہے ان سے کیوں تنگ ہوتی ہے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے کہتے میرے کپڑے خراب کر جاتے میرا کھانا پینا برتن خراب ہو کہتے کوئی بات نہیں وہ ایک دن ملا جی کی بیوی نے کوئی کھیر وغیرہ پکائی تھی کہیں جانا تھا جوڑا وڑا استری کیا تھا وہ آئی پڑوس کی مرغی مرغا جو آیا وہ اپنا کام
समझ गए ना आप। वो मुल्ला जी की बीवी को चढ़ा गुस्सा, उसने पकड़ा और छुरी चला दी। खाल वाल उतारी उसको, मुर्गे को देगची में डाला और चूल्हे पे चढ़ा दिया। इधर मुल्ला जी आए जनाब अपने मदरसे मस्जिद से, गाय आहा बड़ी खुशबू आ रही है, क्या पकड़ा? उसने कहा मुर्गा पकड़ा। कहां से आया गाना, कहां से है? पड़ोसियों का, मेरे कपड़े खराब किए थे, गुस्सा चढ़ा, मैंने छुरी चलाई, चढ़ा दिया। कहने लगे हरा। बीवी ने जरा आंखें खोल के देखा तो नहीं समझे, सारी हेकड़ी भूल गए। कह लगे आराम है। उसने कहा चुप होता है या नहीं होता? बाहर जाके कहना जिसको कहना, आराम है, मैंने चढ़ाया, मैं खाऊंगी। कह लगे है तो आराम। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें कह दिया, मैंने चढ़ा दिया, मैं खाऊंगी, तुम्हें नहीं खाना तो जाओ। उनको समझ आ गई कि इसने मानना, सबके सामने वो चलती वहां जीरो, बाहर हीरो, घर में जीरो, चल नहीं रही, बीवी सुन नहीं रही। अब इनको यकीन हो गया कि इसने मानना। कहने लगे ये बताओ लहसुन प्याज अदरक घी टमाटर मसाले तो घर के है ना? उसने कहा हाँ। कहने लगे ठीक है फिर शोरबा चाहिए। उसने कहा शुक्र है रास्ते पे आ रहा है। लाइन पे। कहने लगे शोरबा दे देना पोटी आराम। वो जब खाना पक गया उसने लाके बर्तन सामने रखा, देचकी में से शोरबा डालने लगी तो एक बोटी गिर गई। बीवी ने हाथ डाल के बोटी पकड़ने चाहिए, कहने लगे जो खुद से आती है आने दो। किधर गए फतवे? चीख रहे थे हरा कहां गया फतवा? हवा चली इधर नहीं उधर, ये जायज है, यही हाल है। शबे बरात का हलवा ना जायज, पर खा भी जाएंगे। फतवे हैं ऊंची, ये दीन से मजाक नहीं है। तुम कहते हो जो नबी को पुकारे उसका निकाह टूट गया, वो ईमान वाला नहीं रहा, कैसी बात है? क्या तुम्हारा ईमान है तुम्हारे पास जो ऐसी बात कर रहे हो? सोचा होता तुमने, अरे जो नबी को पुकारते हैं वही तो सच्चे मोमिन हैं। हम नबी को माबूद समझ कर नहीं पुकारते, मुस्तकिल बिज़ात समझ कर नहीं पुकारते। हमारा ये अकीदा नहीं कि नबी खुद से कमाल रखता, नहीं, हमारा अकीदा है नबी को कमाल अता करने वाला रब ताला है। रब जिसको कमाल दे हम मानते है, और साबित है, जो कमाल साबित नहीं वो हम मानते भी नहीं, जो साबित है उसको उसका इनकार नहीं कर सकते। तो सुन लो, मुनाफिकों का अकीदा था कि नबी सुन नहीं सकता, मुनाफिकों का अकीदा था नबी को क्या खबर, मोमिनों का अकीदा क्या है कि नबी को खबर। जो मानते हैं वो कहें नबी को खबर। मोहब्बत वाले कहते हैं सच कहते हैं, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। मेरे नबी को बाखबर कौन रखता है ऊंची? उनको कौन दिखाता है? इनसे कहो कहीं दिखा दो कोई कि अल्लाह नहीं दिखाता, अल्लाह नहीं सुनाता, लाओ सबूत। मैं एक नहीं 50 सबूत दूंगा कि अल्लाह दिखाता भी है, अल्लाह सुनाता भी है। नबी पाक को सारे कमाल अता करने वाला कौन है? अभी आपने सुना नबी पाक की कब्र पे फरिश्ता, जिसको तमाम मखलूक की आवाज सुनने की कुदरत अल्लाह ने दी। आप जहां कहीं भी दुरूद पढ़ रहे हैं वो आपका आपके बाप का नाम लेकर सुना रहा है। जब गुलाम को इतनी शान, उनकी कब्र पे दरबान को इतनी शान, तो समझदार अंदाजा कर ले जिसकी बरकत से गुलामों को ये दर्जा मिल रहा है, खुद उस नबी का दर्जा कितना होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं, उसके दिल में क्या है? बीमारी। उसके दिल में क्या है?
اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، جو آپ کو خلاصہ سنانا ہے وہ یہ کہ اگر عقیدہ درست ہے تو ایمان والے، عقیدہ درست ہے تو نماز ہوگی، عقیدہ درست ہے تو روزہ ہوگا، عقیدہ درست تو عبادت ہوگی، اگر عقیدہ درست نہیں تو 600,000 برس نماز پڑھنے والا شیطان مردود ہو گیا۔ آج بھی اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں، لاکھوں کی خیرات کر لے، کروڑوں روپے لٹا دے، اس کی کوئی بات قبول نہیں۔ تو بنیاد کیا نکلی؟ کہ مسجد اصل میں وہ مسجد ہے جس کی بنیاد میں تقویٰ ہے، اللہ کی رضا ہے، دکھاوا نہیں، فخر نہیں، فرقہ واریت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا۔ ارے جس مسجد میں نبی سے سلام کو روکا جائے، جس مسجد میں نبی کی تعظیم سے روکا جائے، جس مسجد میں یا رسول اللہ کہنا غلط قرار دیا جائے، کیا وہ مسجد تقویٰ والی ہے؟ اونچی ذرا سوچیں، پھر آپ غور کریں، آپ دھیان دیں اس بات پر۔ یہ وہ ہے، یہ کہتے ہیں نماز میں رسول کا خیال آ جائے بہت برا، معاذ اللہ، کہتے ہیں بیل گدے کے خیال میں ڈوب جاؤ وہ اچھا ہے، نبی کا خیال لانا برا۔ تو جن کی نماز ہی بیل گدے کے خیال میں گزرتی ہے، اندازہ کر لو ان کی نماز کیسی ہے۔ ایسی نماز آپ پڑھنا چاہو گے جو بیل گدے کے خیال والی ہو؟ ہمیں تو وہ نماز چاہیے کہ ہم سر اللہ کے لیے جھکائیں، دل مصطفیٰ کے لیے جھکائیں۔ ہمارے کہتے ہیں، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ۔ ایمان کی جان نبی کی محبت، یاد کر لو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یاد کرا دو، ایمان کی جان نبی کی محبت۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی بے سود ہے ذکر خدا۔ نبی کی محبت کے بغیر اللہ کے ذکر کا کوئی فائدہ۔ پوچھی، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے، ہم نبی کی عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت سارے فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ جس کے پاس وہ محبت نہیں، ارے ان سے زیادہ سمجھدار تو وہ شاہ نامہ لکھنے والا حفیظ جالندری، جس نے آپ کا قومی ترانہ لکھا ہے، وہ بڑا اچھا شعر کہہ گیا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وہ بھی کہہ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو کچھ بھی مکمل نہیں۔ اور آج کہیں کہ نہیں، دیکھیں نا، یوں سنو، وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی یہ جو بریلوی ہے نا، بریلوی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کرتے ہیں، ہر وقت ان کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی اور تعریف والا دکھا دو، اللہ کی مخلوق میں کوئی اور اتنی تعریف والا دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور یہ نام رکھ کے بتایا کہ اس حبیب کو پیدا ہی تعریف کے لیے کیا ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، نئی سے نئی تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے، تو اللہ نے ان کو بنایا ہی تعریف کے لیے۔ سنو، ہم نبی کی کیا تعریف کریں گے، ہمیں نبی کی تعریف آتی کہاں ہے؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں جو تھوڑی بہت محبت ظاہر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اس سے ہم خود تعریف والے ہو جاتے ہیں۔ آج انہی کے نام یادگار ہیں۔ میں نے یہ بات کئی جلسوں میں پوچھی، ذرا لوگوں کو احساس دلانے کے لیے، تاکہ آپ کو پتا چلے
पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत कौन है? हाँ, बच्चे ने सही जवाब दिया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिनको तहरीक पाकिस्तान का कायदे आजम कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत है ना, पूछ रहा हूं। नोटों पे उनकी तस्वीर, सिक्कों पे उनकी तस्वीर है ना, आप बताओ उनकी दाई का नाम क्या था? चलो 100 रुपया इनाम दे दूंगा, है कोई बताने वाला? नहीं। 100 साल पुरानी बात है, पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियत, बाबाए कौम, मगर उनकी मिडवाइफ दाई का नाम आपको मालूम? शौक भी नहीं होगा किसी को, क्या दिलचस्पी भी, क्यों याद करें, क्या फायदा होगा? लेकिन बताओ हजरत हलीमा का नाम याद है या नहीं? वो 1400 बरस पहले जिसने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी खिदमत की, आज भी दुनिया सलाम करती है। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में, बकी शरीफ में, जिन कब्रों पर खास तौर पर सलाम पढ़ा जाता है, उनमें एक हजरत हलीमा सादिया की कब्र है। कोई जाके उनकी रूह से भी पूछे, वो भी कहती होंगी, कमली वाले आका तेरे कुर्बान जाऊं, मैंने 2-4 बरस खिदमत की, तूने करोड़ों सलाम भिजवा दिए। जो मेरे नबी की खिदमत करे, उनकी तारीफ करे, खुद तारीफ वाला हो जाता है। हम नबी की क्या तारीफ करेंगे, हमसे तो हो ही नहीं सकती। तारीफ तो वो करे जो जानता हो, हम तो उनको पूरी तरह जानते ही नहीं। हम सारी उम्र कहते हुए, सारी उम्र लिखते हुए गुजारने के बाद भी यही कहते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर। या अल्लाह, तेरे हबीब की तारीफ का हक हमसे अदा हो सकता? और खुद नबी पाक से भी कहते, हुजूर जैसे आपकी तारीफ करनी चाहिए हमसे हो सकती नहीं। सब कुछ कह के आखिर में यही कहते हैं, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आखिरी बात यही कि अल्लाह के बाद आपकी शान, जिस पर बात खत्म, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता? तो वो जो कहते हैं तुम जी बहुत तारीफ करते हो, तो मैं कहता हूं लाओ कोई और तारीफ वाला, लाओ कोई मेरे नबी जैसा इस कायनात में कोई और नहीं। तो जिनका अकीदा नबी पाक के बारे में दुरुस्त, जिनका ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरुस्त, उनकी नमाज नमाज है, उनकी अजान अजान है। हनीफाबाद वालों, मेरा सवाल ध्यान से सुनना और याद करना, यह बात मैंने टेलीविजन पे भी कही है, आपको भी सुना रहा हूं। करबला का वाकया हर साल सुनते होंगे आप, यजीदी लश्कर कितना था? 22,000। कितना? इमाम पाक और उनके साथी कितने थे? 72। दुरुस्त, यजीद के खेमों में, यजीदी लश्कर के खेमों में भी अजान होती थी, इमाम के खेमों में भी अजान होती थी, वहां भी नमाज होती थी, यहां भी। ये अलग नमाज क्यों हो रही है? फिरका वारियत का इल्जाम क्यों नहीं लगाते हो? उम्मत को तोड़ने का इल्जाम क्यों नहीं लगाते हो? है हिम्मत? जुरत कर सकता है? इमाम पाक अलग अजान दे रहे हैं, अलग नमाज पढ़ा रहे हैं, नबी का नवासा, नबी का सहाबी, नबी का बेटा, अलग क्यों? उन्होंने आने वाली नस्लों को बता दिया, जो नबी की निस्बत का एहतराम नहीं करता, उसकी अजान अजान नहीं है, उसकी नमाज नमाज नहीं है। ये आज से नहीं है सिलसिला, पुराना पुराना। अब आप यजीदी कहलाना चाहते हो या हुसैनी? पूछी तो इमाम आली मकाम ने बता दिया, जो नबी की निस्बतों का एहतराम नहीं करता, उसकी अजान अजान, उसकी नमाज नमाज। तो जब उसकी अपनी नमाज नहीं, उसकी उसके पीछे किसी और की कहां से होगी? सुनो, हम लड़ाई नहीं चाहते, तुम्हें भी मालूम है हकीकत क्या है, तुम भी जानते हो अहले सुन्नत व जमात अहले हक है। आओ, इस लड़ाई को खत्म करने की एक ही सूरत है, अपनी गलत बातों पर तौबा करो, मेरे नबी के गुलाम बन जाओ, झगड़ा खत्म। आज जरूरत है कि हम सब यहूद व नसारा और हुनूद के खिलाफ मुत्तहिद होकर पूरी तरह जद्दोजहद करें, लेकिन कब? उस वक्त जब हम सबके अकीदे दुरुस्त हों। अगर अकीदे दुरुस्त न किए तो तुम लोग
پھر غیروں کے ایجنٹ ہی کہلاؤ گے، پھر تم مسلمانوں کی کبھی قوت نہیں دیکھ پاؤ گے، تمہیں قبر میں جانا ہے، وہاں نبی پاک کو منہ دکھانا، حشر میں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا جواب دو گے؟ ہم اہل سنت تو یہاں بھی یا رسول اللہ پکار رہے ہیں، وہاں بھی پکاریں گے، ہم تو یہی کہتے جائیں گے کہ حضور ہم دنیا میں بھی کہتے تھے، انشاءاللہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہر سنی یہی کہتا ہوا آئے گا، سب سے اولا اعلی، سب سے